गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्लास 2 इंग्लिश चैप्टर 9 लिटिल रेनड्रॉप्स। लिटिल रेनड्रॉप्स मतलब होते हैं, रेनड्रॉप्स का मतलब होता है बारिश की बूंदे। क्या होता है? बारिश की बूंदे, और लिटिल होता है छोटी। तो छोटी बारिश की बूंदे हमारे चैप्टर का नाम है। तो ये एक पोयम है, तो चलिए हम देखते हैं कि इस पोयम में क्या है और इस पोयम को समझते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं, ओ वेयर डू यू कम फ्रॉम। तो ये जो लड़का होता है वो किसको बोलता है कि वह जो बारिश की बूंदे हैं उनसे बोलता है, ओ वेयर डू यू कम फ्रॉम, ओ तुम कहाँ से आती हो। यू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन, तुम बारिश की छोटी छोटी बूंदे। पीटर पैटर डाउन द विंडोज पेन, मतलब जब पीटर पैटर जब ये होता है, जब खिड़कियाँ, आप बारिश में आंधी आती है तो खिड़कियाँ खड़खड़ करने लग जाती है ना, तो उसको बोल रहा है पीटर पैटर डाउन द विंडोज पेन। मतलब जो विंडो के जो खिड़कियाँ नीचे, वो कैसी आवाज़ आ जाती है, पीटर पैटर की, खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। किसके आने पर? बारिश के आ जाने पर। दे वू नॉट लेट मी वॉक, वो कहती हैं कि मैं बाहर नहीं जा सकता। एंड दे वो नॉट लेट मी प्ले, और ये मुझे खेलने भी नहीं देती। एंड दे वो नॉट लेट मी गो, और ये मुझे बाहर भी नहीं जाने देगी। आउट ऑफ डोर्स एट ऑल टुडे, क्या आज ये मुझे गेट से बाहर नहीं जाने देगी और मुझे गेट के अंदर रहना होगा। ये कौन बोल रहा है? ये लड़का बोल रहा है। और ये पोएम किसके बारे में है? लिटिल रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदे। आपको समझ में आया? छोटा सा अगर बताऊँ तो कहता है ये लड़का कि जो ये बारिश की बूंदे हैं वो कहाँ से आती हैं, और इसके आने पर जो खिड़कियाँ हैं वो खड़खड़ाने लग जाती है, पीटर पैटर। और क्या ये, क्या बारिश आ जाने पर ये बाहर नहीं जा सकता, खेल नहीं सकता बाहर, और क्या है, इसको घर के अंदर रहना पड़ जाता है। ये आज तो ये घर से बाहर नहीं जा पाएगा। ये है हमारी छोटी सी पोयम। अब इस पोयम के क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको ये जो सेंटेंस दिए गए हैं ये कंप्लीट करने हैं। ये जो सेंटेंसेस है आप देखेंगे तो ये पोयम के अंदर है। फर्स्ट है, यू डैश ड्रॉप ऑफ रेन। सो देखिए आप, यू डैश ड्रॉप्स ऑफ रेन, यू क्या है, यू लिटिल ड्रॉप्स, लिटिल ड्रॉप्स होती है ना, छोटी छोटी बारिश की बूंदे। सेकंड है, डाउन द विंडो, डाउन द विंडो के बाद क्या आएगा, पेन, क्या आएगा, पेन, जो नीचे होता है ना उसको बोल रहा है ये पेन। दे वो नॉट लेट मी, वो क्या नहीं करने दे रही, वॉक, बाहर वॉक नहीं करने दे रही। एंड दे वो नॉट लेट डैश गो, आपको भरना है इसमें, तो लेट मी गो। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, राइट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो एक जैसे साउंड करते हैं, जैसे एग्जांपल फॉर कि आप बोल रहे हो टॉल, तो टोल का हो गया, टोल जैसा साउंड करने वाला शॉल, ऐसे टोल शॉल मॉल, ये सब क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। तो हमें ये इनका राइमिंग वर्ड लिखना है। रेन, रेन का क्या होगा, पेन। प्ले, प्ले का क्ले, और भी हो सकते हैं इसके। वॉक, और वॉक का होगा टॉक। और अब गो का करेंगे, गो का सो, साउंड आ रही है ना, गो सो ओ की साउंड आ रही है। वेयर, वेयर का है देयर, देयर मतलब आर की, वेयर देयर हेयर, ये सब राइमिंग वर्ड्स है। डोर, डोर का मोर फोर, ये सब इसके राइमिंग वर्ड्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू द रेनड्रॉप्स नॉट अलाउ द चाइल्ड टू डू। जो रेनड्रॉप्स है
वो क्या करने नहीं देती बच्चों को। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द रेन ड्रॉप्स नॉट अलाउ द चाइल्ड टू डू आउटसाइड प्लेइंग वॉकिंग एंड नॉट टू गोइंग आउटसाइड। वो ना उन्हें बाहर खेलने देती हैं, बाहर जाने देती है और ना बाहर चलने देती है। वट डू यू डू वैन इट रेन्स, मतलब तुम क्या करते हो जब बारिश आती है। तो मैंने लिखा है आई गोट आउटसाइड एंड प्ले, मैं मतलब बारिश में मुझे बाहर जाना पसंद है तो मैं बारिश में खेलती हूँ। आप अगर बारिश में आपको नाव बनाना पसंद है तो आप वो लिखिए। सेकंड है, ये हमारी स्पीकिंग स्किल्स हैं, आपको ये जो वर्ड्स हैं इनको क्या करना है, एसोसिएट करना है। फर्स्ट रेन, क्लाउड, ड्रेन, पुडल, वेट, रेनकोट, डाउनपोर, फ्लोड, अम्ब्रेला, आपको ये लर्न करने हैं। सेकंड है ग्रामर स्किल है, आपको कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ये कि उसमें नॉट लगता है ना, तो ये जो नॉट है वो एग्जाम्पल फॉर ये नॉट है, तो ये ऐसे हो जाता है। अब ये ऐसे क्यों होता है, हैज़ प्लस नॉट, हैज़ ये हैज़न्ट, हैड प्लस नॉट हैड, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत सारे हैं जैसे आर नॉट, वेयर नॉट, डज नॉट, विल नॉट, हैव नॉट, इज नॉट, वॉज नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट का कांट भी बोल सकते हैं हम, डिड नॉट का डिडंट भी बोल सकते हैं, डू नॉट का डू नॉट भी बोलते हैं, वॉज नॉट का वॉज नॉट, ठीक है। तो ये ऐसे करके हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते हैं। हम करते हैं अपनी होम वर्कशीट 47, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है और टॉपिक है लिटिल रेन ड्रॉप्स, क्लास सेकेंड का है और डेट है हमारी 23 डे मंडे। सो लेट्स स्टार्ट, अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपको ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको कंप्लीट करना है। यू लिटिल डैश ऑफ रेन, लाइट आएगा या ड्रॉप्स आएगा। सो क्या लिटिल लाइट आएगा, नो लिटिल ड्रॉप्स आएगा। आउट ऑफ डैश एट ऑल टुडे, आउट ऑफ विंडो या फिर आउट ऑफ डोर, मतलब बाहर खिड़की के बाहर या दरवाजे के बाहर। तो क्या दरवाजे के बाहर, नहीं जा सकते ना बारिश में दरवाजे के बाहर। तो डैश द विंडोज पेन अप या डाउन, सो डाउन जो खिड़की के नीचे गड़गड़ाहट की आवाज़ आ जाती है। फोर्थ दे वोंट लेट मी डैश वॉक या टोक, बारिश क्या नहीं करने देती, उसको टोक नहीं करने देती या वॉक नहीं करने देती, तो वॉक नहीं करने देती, चलने नहीं देती, कहाँ बाहर। अब सेकंड क्वेश्चन, राइट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको ये जो वर्ड्स दिए गए इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट रेन, रेन का पेन, बीक वॉक, वॉक का टोक, मतलब राइमिंग वर्ड्स आपको इनकी सेम साउंड आनी चाहिए। गो सो, वेयर देयर, डोर का क्या होगा मोर, प्ले क्ले, बहुत सारे भी हो सकते हैं, से भी हो सकता है इसका, जी का फुल, कूल, बुल, ये सेम सेम है, वेट सेट रेट, ऐसे राइमिंग वर्ड्स। थर्ड है हमारा मैच द फॉलोइंग्स, आपको इसको मैच करना है, ये इंग्लिश में दिए गए हैं और ये हिंदी में, ये हिंदी में इनके मीनिंग्स हैं। सो रेन को क्या बोलते हैं हम, बारिश। डोर को क्या बोलते हैं हम, दरवाज़ा। विंडो को क्या बोलते हैं, खिड़की। और ड्रॉप्स को बूंदे। कम को क्या बोलते हैं, आना। ये हमें हमें मैच कर दिया। अब फोर्थ है सी द पिक्चर एंड राइट द मिसिंग लेटर, आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर है इसको सी करना है और है ना ये जो मिसिंग आपने देखा होगा ना यहाँ पे खाली जगह है, इसको आपको भरना है किसी लेटर से, एक लेटर मिस है यहाँ पे, तो वो कौन सा है। तो पहले देखो कि पिक्चर में ये क्या दे रखा है, ये क्या है, एक बादल है, बादल को क्या बोलते हैं, क्लाउड। तो क्लाउड की क्या स्पेलिंग होती है, CLOUD। सेकेंड है क्या दिख रहा है ये, सन, सन की क्या स्पेलिंग होती है, एस, यू मिसिंग है इसमें, सो यू। ये क्या है, ड्रॉप, ड्रॉप, तो इसमें क्या मिसिंग है, आर।
तो हम आर लिख देंगे। ये क्या है? अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला में क्या मिस, इसमें टू लेटर मिसिंग है, कौन कौन से हैं? पहले एम और आर, अम्ब्रेला, दो लेटर मिसिंग है ना इसमें। तो ये हमारी वर्कशीट पूरी होती है। थैंक यू सो मच।